Morning students, today in this video we learn about division of fractions. In the previous video we have learned about addition, subtraction, multiplication. Ab hum log janenge fraction ka division kaise karte hain. See the examples. Suppose the question is 5 by 12 divided by 4 by 15. 5 by 12 को डिवाइड किससे करना है? 4 by 15 से डिवाइड करना है. ठीक है, 5 by 12 को डिवाइड किससे करना है? दिस इज दिस फ्रैक्शन 5 by 12 इज डिविडेंड एंड 4 by 15 इज डिवाइजर. ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि 5 by 12 को 5 by 12 ही लिखेंगे. ठीक है, लेकिन इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करें कर दें लिख देंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई बदल देंगे, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बदल देंगे. तो जैसे ही अगर डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई बदलता है तो क्या होता है कि फ्रैक्शंस रेसिप्रोकल होते हैं. रेसिप्रोकल मतलब इस कोशेंट डिवाइजर को क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे. रेसिप्रोकल मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो नीचे डिनोमिनेटर बन जाएगा. मतलब हम लोग उल्टा कर देंगे. ये 4 by 15 क्या बन जाएगा? 15 by 4 बन जाएगा. फिर से सुनिए, 5 by 12 डिवाइडेड बाई 4 by 15 है, तो ये 5 by 12 को 5 by 12 ही लिखेंगे. डिवाइड के साइन को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बदल देंगे. ठीक है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बदलेंगे. जैसे ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई बदलेगा तो क्या होगा, ये जो कोशेंट डिवाइजर है हमारा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा. मतलब 4 by 15 को क्या लिखेंगे? 15 by 4. ठीक है, अब क्या करेंगे? नंबर्स को डिवाइड करेंगे. तो ये देखिए 12 और 15 डिवाइड हो रहा है 5 के टेबल में. 12 और 15, दिस इज़ 3 के टेबल में 4 टाइम्स और ये 3 के टेबल में 5 टाइम्स. ठीक है, अब तो कुछ और डिवाइड नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. तो 5 × 5 इज़ 25 एंड 4 × 4 इज़ 16. ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है, इसको क्या करेंगे? मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे. तो क्या बन जाएगा? 19 by 16. ठीक है, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. 50 डिवाइडेड बाई 5 by 3. 50 इज डिविडेंड एंड 5 by 3 इज डिवाइजर. तो ये जो डिविडेंड होता है उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, उसका रेसिप्रोकल नहीं करते हैं. 50 के नीचे कुछ नहीं है तो उसको क्या लिखेंगे? 50, जब कुछ नहीं रहता है तो 1 लिखते हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बदलेंगे. डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई जैसे ही होता है तो फ्रैक्शंस रेसिप्रोकल हो जाता है. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो 5 by 3 को क्या लिखेंगे? 3 by 5. ठीक है, अब डिवाइड करेंगे नंबर्स जो डिवाइड हो रहा है क्रॉस में या फिर वर्टिकली में, उन लोगों को उन नंबर्स को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 के टेबल में 1 टाइम और ये 5 के टेबल में 10 टाइम्स. अब तो कुछ और डिवाइड नहीं होगा, तो 10 × 3 इज़ 30 एंड 1 × 1 इज़ 1. तो 30 by 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 30 लिख सकते हैं. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. 3 by 17 डिवाइडेड बाय 2 6 by 51. 3 by 17 डिवाइडेड बाय 2 6 by 51. दिस इज़ डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर. ये दोनों जो डिविडेंड और डिवाइजर है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले कन्वर्ट किस में करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 17 × 3 इज 51, 51 + 3 इज 54 by 17. ठीक है, और 2 6 by 51 को क्या लिखेंगे? 51 × 2 इज 102 एंड 102 + 6 इज 108 by 51. ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया. अब क्या करेंगे?
इस डिविडेंड को, ये डिविडेंड 54/17 है तो 54/17 ही लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हम लोग नहीं करेंगे। डिवाइड के साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई में। जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन जो डिवाइजर हमारा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 51/108। ये 17 के टेबल 1 टाइम और ये 51 3 टाइम्स। ये 54 और 108, 54 के टेबल में 1 टाइम और 108 आता है 54 के टेबल में 2 टाइम्स में। तो 1 × 3 इज 3 एंड 1 × 2 इज 2। इसको क्या लिखेंगे, अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया उसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1/1/3। ठीक है, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वन 11/15 डिवाइडेड बाय 1/4/35। दोनों ये जो 1/11/15 है और 1/4/35 है, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है। सो पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कितना बन जाएगा, 15 × 1 इज 15 एंड 15+11 इज 26/15 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 35 × 1 इज 35, 35+4 इज 39/35। दिस इज डिवाइज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, डिविडेंड को 26/15 ही लिखेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। जैसे ये मल्टीप्लाई में लिखे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 35/39। अब नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे, तो ये 5 के टेबल में 3 टाइम्स और 35 7 टाइम्स। ये 13 के टेबल में 26 2 टाइम और 39 3 टाइम्स। अब डिवाइड नहीं होगा तो 2 × 7 इज 14 एंड 3 × 3 इज 9। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट कर देंगे मिक्स में, तो ये आ जाएगा क्या, 1/5/9। सो आई होप स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस एंड योर होमवर्क विल बी दैट विल बी सॉल्विंग सेल्फ प्रैक्टिस 8D इन योर मैथ्स कॉपी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।